दोस्तों चलिए जानते हैं कि हैकर्स आखिर हमारे अकाउंट्स को हैक कैसे कर लेते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, बैंकिंग या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन अकाउंट। कीप इन माइंड कि इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जमाना ऑनलाइन का है और फ्यूचर में तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल, जब भी हम अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे आईडी और पासवर्ड को ऐड किया, तो क्या इंस्टाग्राम को हमारा आईडी पासवर्ड पता है और इनके सर्वर पे हमारा ये जो डेटा सेव होता है, क्या इसके लीक हो जाने से हमारे अकाउंट्स हैक होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल जब भी हम इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब डिटेल्स फिल करते हैं, तो ये सारा डेटा उनके सर्वर पे एज इट इज सेव हो जाता है सिवाय पासवर्ड के, क्योंकि हर एक डेटा स्टोरेज कंपनी के पास एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है और ये क्या करता है कि किसी भी पासवर्ड को एज इट इज सेव करने की बजाय उसकी फॉर्म को चेंज करने के बाद ही उसे डेटाबेस में सेव करता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे ओरिजिनल पासवर्ड का हमारे सिवाय किसी को भी पता नहीं होता और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हमें लॉग इन करना होता है उन सभी जगहों पे ऐसा ही होता है। दूसरी बात, अक्सर डेटा स्टोरेज कंपनियों का डेटा लीक हो जाता है या फिर हैकर्स उन्हें चुरा लेते हैं। तो मान लीजिए कि इंस्टाग्राम का डेटा हैकर्स के पास आ गया। अब हैकर्स को आपके अकाउंट की यूजर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इन सब के बारे में तो पता है, लेकिन पासवर्ड की चेंज की हुई फॉर्म उनके पास होती है, ओरिजिनल नहीं होता। अब पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हैकर्स सबसे पहले जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो है रेनबो टेबल। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स और उनकी हैशिंग फॉर्म का। इंटरनेट पे ये इजीली अवेलेबल है। इस टेबल में से अगर कोई हैशिंग फॉर्म आपके अकाउंट वाले पासवर्ड की हैशिंग फॉर्म से मैच कर गई तो रिकवर करने के बाद ओरिजिनल पासवर्ड का पता चल सकता है, मतलब कि आपके अकाउंट का समझो हो गया काम तमाम। इसीलिए बोला जाता है कि इजी पासवर्ड जो कि लोग कॉमनली रखते हैं 1234, आई लव यू, नेम्स वगैरह, ये मत रखो क्योंकि इन्हीं को हैक करना सबसे आसान है। मींस अगर हम एक यूनिक पासवर्ड रखते हैं तो हैकर्स के रेनबो टेबल वाले मेथड से बचा जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अगर इससे बात नहीं बनी तो हैकर्स फिर से एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डिक्शनरी मेथड। एक्चुअली इसके अंदर पासवर्ड्स की हैशिंग फॉर्म अवेलेबल नहीं होती, बट बहुत सारे मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जिन्हें अक्सर लोग यूज करते हैं। वो हर एक कॉमन पासवर्ड के हैश को जनरेट करेगा और उसे आपके पासवर्ड वाले हैश से मैच करेगा। अगर उसे हैश मिल जाता है तो वो डिक्शनरी में से आपके ओरिजिनल पासवर्ड को भी निकाल लेगा बड़ी ही आसानी से। वैसे उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है। और आखिरकार अगर इससे भी बात नहीं बनती तो वो उठा लेते हैं ब्रह्मास्त्र, यानी कि तीसरी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्रूट फोर्स अटैक। इसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र क्यों लिया, देखो ये काम कैसे करता है कि हर एक कैरेक्टर और नंबर की जितनी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, इन तीन नंबर्स में से 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2, 2 3 1, जितने भी मैक्सिमम नंबर्स बन सकते हैं उन सबके कॉम्बिनेशंस को निकालेगा और हर कॉम्बिनेशन के लिए एक हैश को जनरेट करेगा और उस हैश को आपके पासवर्ड से मैच करेगा। दिख रहा है ना कि ये टेक्नोलॉजी कितनी डेंजर है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा रखा है तो उससे इतने सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे जिन सबको ट्राई करने में लाखों साल लग जाएंगे। तो देखा कैसे चोर और पुलिस जैसी कहानी है। तो आपको पता लग गया ना कि कैसे हैकर्स हमारे अकाउंट्स को हैक करते हैं और उनसे बचने के लिए हमें किस तरह के पासवर्ड्स को यूज करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, क्या आपको लगता है कि अभी तक आप एक वीक पासवर्ड को यूज कर रहे थे और उसे बदलने की जरूरत है? कमेंट्स में बताओ। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।